तो बच्चों आज की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दशमलव संख्याओं का। इससे पहले आप दशमलव संख्याओं का जोड़ और दशमलव संख्याओं का घटाना सीख चुके हैं। जिन्हें गुणा करना आता है, जिन्हें गुणा करना आता है, वे दशमलव संख्याओं का गुणा सीख पाएंगे। जिन्हें गुणा ही नहीं आता है, दशमलव संख्याओं का गुणा और गुणा में कोई अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है जो आपको एक ही बार बताने पर आ जाएगा, लेकिन गुणा करना तो पहले आना चाहिए। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें गुणा ही करना नहीं आता है? कोई ऐसा है जिन्हें गुणा करना ही नहीं आता? एक, हाँ एक दो बच्चे ऐसे जिन्हें गुणा करना नहीं आता, ठीक है। और गुणा करना भी आप सीख जाएंगे और दशमलव का प्रयोग भी सीख जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि बगैर दशमलव वाली संख्या का गुणा कैसे होता है, और अगर उसमें दशमलव लगा दें तो क्या फर्क पड़ जाता है। केवल इतना सीखना, जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिएगा 325, और इसमें गुणा कर रहे हैं हम 16 का, ठीक। ये नंबर है जिसमें हम गुणा करेंगे 16 का, तो गुणा करना आता है सबको, लगभग एक दो बच्चों को कम आता है। तो करना क्या होता है, सीधे हाथ की तरफ 16, ये 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 का 2 में, 6 का 3 में, फिर 1 का 5 में, 1 का 2 में, 1 का 3 में, ठीक। अब आप कहो कि गुणा इधर से ही क्यों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप जिधर से चाहो उधर से कर लो, लेकिन उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी हम चाहें कि 1 का गुणा 1 से शुरू करें तो 1 से भी शुरू करके गुणा किया जा सकता है, 6 से शुरू करें 6 से शुरू करके भी किया जा सकता है। आप जाको नहीं हम तो इधर से शुरू करके करेंगे, आप इधर से शुरू करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कर पाएंगे। इधर से शुरू करके जैसे हम 6 का गुणा 3 से शुरू करके करना चाहते हैं कर लेंगे, लेकिन वो उतना हमें यूज में नहीं रहता, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम 1 का गुणा यहाँ से शुरू करके कर सकते हैं, फिर 6 का कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करना क्या होता है, जिस नंबर का गुणा करते हैं उसके नीचे से लिखना शुरू हो जाओ, बस जिस संख्या का गुणा करते हैं उसके नीचे से लिखना शुरू करते हुए और डेढ़े हाथ की तरफ जाते हैं। इतना ही मालूम है आपको, देखिएगा तो 6 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 5 जा 30, 30 की 0 कैरी, ये तो सीखा आपने। अब 6 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 6 2 जा 12, 12 में 33 का एडिशन करिए, 15 15 की 5, डिजिट के नीचे डिजिट रखें, बस इतना ध्यान रखें। अब ये नहीं 5 आप इसके नीचे लिख दो तो थोड़ा फिर बाद में एडिशन करने में आपको खुद ही समस्या आने लगेगी, ठीक। और कैरी आ गई 1, 3 की टेबल फिर वो 6 की टेबल 3 टाइम्स पढ़िएगा, 6 3 जा 18 18 में 1 कैरी का एडिशन करिए, कितने हो जाएगा 19। अब देखो इधर नंबर खत्म हो गए तो पूरा 19 लिखेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे गुणा 1 का। अभी हमने ये कहा था जिस नंबर का गुणा करते हैं आप उसके नीचे से लिखना शुरू हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा, लेकिन हम 1 का यहां आ रहा नीचा तो यहां से लिखना शुरू करें बस। अब हम गलती से कहीं यहां से ना लिख दें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो जगह पहले घेर दो। अगर इस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ हो तो तुम बैठ सकते हो क्या? जब खाली पड़ी होगी तभी तो बैठ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस जगह को घेर देते हैं, गलती से हम वहां कोई अक्षर या शब्द लिख ना दें। अब 1 का 5 में हो गया, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 3 में करेंगे 3, इनका क्या करना पड़ता है, जोड़। जोड़ क्यों करना पड़ता है, कभी आप देखना जब हम भाग करते हैं तो उसमें घटाने की जरूरत पड़ती है, और जब गुणा करते तो उसमें जोड़ की जरूरत पड़ती है। क्यों? जोड़ का बड़ा भैया गुणा है, तो उसकी मदद करने के लिए जब छोटे से काम नहीं होता तभी तो बड़ा आता, हट तू, हम दिखाते करके। तो जोड़ का बड़ा भैया गुणा है, लेकिन फिर भी उसे जोड़ की मदद लेनी पड़ती। देखो गुणा करते करते जोड़ आ गया। इसी प्रकार से घटाने का बड़ा भैया भाग है, लेकिन जब भाग कर रहे होंगे तो बीच बीच में घटाने की जरूरत पड़ती है। मदद जरूर लेंगे लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं पूरा गुणा करते रहे लेकिन हमें जोड़ की जरूरत नहीं पड़े। देखो गुणा कर रहे लेकिन जोड़ भी आ गया, जोड़ दीजिएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 5 10 की 0, और ये 11 और 2 12, और ये हो जाएगा 5। कितना है दोहरा गुणा, सही है ये 0 5 5 10 9 2 11 1 12 और 3 1 4 1 5, इतना सबको आता है। अब मान लीजिए यही संख्याएं दशमलव वाली होती, ठीक। अभी आप सीख जाएंगे दशमलव गुणा में और बगैर दशमलव वाली गुणा वाली संख्या में क्या फर्क होता है। अब हम इसी में दशमलव लगा दें, हमने 1 दशमलव यहां लगा दिया और 1 दोनों में ही लगा दिए, मान लीजिए अभी हम इसमें नहीं है,
पहले एक ही संख्या समझिएगा, इसमें दशमलव है, तो जब भी हम इस प्रकार के गुणा करते दशमलव वाली संख्या में, तो गुणा करते वक्त दशमलव को आप कतई देखे नहीं, कतई छुए नहीं, और कोई उसकी परवाह नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने गुणा किया वैसे ही कर देंगे हिसाब को, दशमलव फिर दशमलव को बना रहने दो, हमें क्या करना, दशमलव का बना रहने दीजिए। लेकिन जब आपका सब गुणा कंप्लीट होकर के लास्ट लाइन में एडिशन करके भी रख दो, सब कुछ हो जाए, अब आइए दशमलव के पास, ये देखना है कि दशमलव के इधर कितने अंक हैं, दो। तो दशमलव के इस संख्या में फाइनल नंबर ही तो है, इसमें भी दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए, बस इतनी सी बात थी। बताइए क्या फर्क पड़ा दशमलव वाले गुणा से, कोई फर्क पड़ा? ये बात तुम एक बार में सीख जाएंगे कि यहां पर दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो जो हमने अंतिम जो इसका आंसर निकाला है उसमें भी दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए हैं। अब मान लीजिएगा यहां भी दशमलव होता, ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करें, अब दोनों संख्याओं के अंक गिनो, दशमलव के बाद कितने हैं, दो यहां है और एक कितने हो गए, तीन। तो अब यहां पर एक दो तीन के बाद दशमलव लगा दो, बताओ इतनी बात कैसे समझ में नहीं आई, तो आ गई समझ में? और देखिएगा एक सवाल, इतने में ही आप समझ जाएंगे गुणा करना आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए गुणा ही नहीं आता तो दशमलव फिर आपका दुश्मन हो ही जाएगा। तो पहले क्या है, आपको गुणा करना आना चाहिए, दशमलव कोई परेशानी गुणा करते वक्त नहीं डालेगा। जैसे इसमें हमने गुणा किया कोई परेशानी हुई, आपको इस नंबर में कहीं दशमलव नहीं लगाना है, इसमें कहीं नहीं लगाना है। गुणा करने बाद ये जोड़ के जो हमने यहाँ रख दिए, फिर गिनते हैं दशमलव के बाद टोटल अंक कितने हैं दोनों संख्याओं में, उतने ही अंक यहाँ पर दशमलव के बाद होने चाहिए। और देखिएगा एक सवाल, ये नंबर है और हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिएगा इस नंबर का तीन अंकीय संख्या में तीन अंकीय संख्या का ही गुणा कर रहे हैं, ठीक, और हम ये मान लेते हैं कि एक में दशमलव यहां पर है और दूसरी में दशमलव यहां पर है, ठीक। अब जब गुणा कर रहे होंगे तो दशमलव को आप बिल्कुल देखें नहीं, फूटी आंख से भी ना देखें कि आज ये दशमलव आ गया अब हम क्या करें, नहीं, आगे आ जाने दो, उससे निबट लेंगे हम। देखिएगा 5 3 जा 5 8 जा 40 40 और 1 कैरी 41 फिर कैरी 4 5 9 जा 45 में 4 का एडिशन करिए 49, ठीक। अभी हमने कहा था जिस संख्या का गुणा करना, जैसे 5 का गुणा करना शुरू किया 5 के नीचे लिखा, अब 3 का गुणा करेंगे तो बेटा 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 3 3 जा 9, इस जगह को घेर दो, घेर इसलिए दो फिर तुम गलती से मान लिखना दो कुछ, 3 8 जा 24, 24 कोई कैरी तो लगी नहीं तो 4 हो गया, कैरी कितनी लगी अब, दो, और 3 9 जा 27 में 2 कैरी एडिशन करिए 29, ठीक। अब देखिएगा गुणा नंबर आ गया एक का, तो हम एक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे यहां से। अभी हमने क्या कहा था, जैसे गुणा 5 का ना करके हम एक का करते तो एक का यहां से लिखना शुरू करते, 3 का यहां से लिखना शुरू करते, फिर 5 का यहां से लिखना शुरू करते, आप एडिशन कर देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा आपका। जरूरी नहीं 5 से शुरू करो, आप 1 से शुरू करो, आप 3 से शुरू करो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक। अब किसका करना, एक का, तो एक के नीचे से 1 3 एक में 8 का करेंगे, एक में 9 का करेंगे, लेकिन यहां भी जगह खाली है तो आप इसको घेर सकते हो। साफ साफ समझ में आया कि इधर अंक छुटते क्यों है, इधर अंक इसलिए छुटते हैं जिस संख्या का गुणा करते हैं उसके नीचे से ही लिखते हुए डेढ़े हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ हम जाते हैं, चलते जाते हैं। अब इनका क्या करें, आता है इसका मतलब आपको, चलिए 5 0 और ये 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 और कैरी 1 17 फिर कैरी 1। अब देखिएगा कैरी 1 कैसे करें, 9 में कैरी 1 एडिशन करें कितना हो गया 10 10 में 8 का करें 18 18 में 4 का करें 22 की 2 कैरी 2 9 और 2 11 में कैरी 2 का एडिशन करो 13। देखिएगा क्या दशमलव संख्या का जब गुणा कर रहे थे कोई परेशानी हुई हमें, कोई बता, नहीं हुई ना,
अब निपटेंगे। तो वक्त हमें कोई मतलब नहीं है तुम दशमलव हो कि कौन हो, आई बात समझ में। चलिए अब दशमलव हमें यहां लगाना लास्ट नंबर में, ऐसा नहीं गलती से इनमें कहीं नहीं दशमलव लगना, कहीं नहीं लगना, खूब सोच लेना समझ लेना। अब कहीं नहीं आ रहा अभी हमसे पूछ लीजिएगा। अब गिनिएगा दशमलव बाद टोटल अंक कितने हैं, एक दो तीन चार। अब क्या करें, दशमलव कहां पर लगाएं? हाँ भाई आप बताइए, एलपी खड़ी हो जाओ। हम इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगाएं? सात के इधर, ठीक है। तुम बताओ भैया अंजलि, वो दीपांजलि, 13 के बाद। यहाँ आप ये बताइएगा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जब हम कह रहे हैं कि हमें ये समझना है कि पॉइंट के बाद टोटल डिजिट अंक है कितने, एक दो तीन चार हैं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं था, मालूम है आपको। अब देखिएगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये दशमलव की जगह है, सबकी समझ में आ गया? Yes, कोई ऐसा जिस समझ में नहीं आया हो गया? दशमलव का गुणा क्लियर हो गया? Yes। ठीक, अब समझते हैं दशमलव संख्याओं का। अब हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का भाग, गुणा सीख गए? Yes। ठीक है, सीख लिया अच्छे से, अभी होमवर्क मिलेगा आपको, फिर आपने नहीं करके दिखा पाया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो ये समझे कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा हटके है, ठीक, क्योंकि दशमलव संख्या का क्या हमें पहाड़ा आता है, किसी को दशमलव जैसे आपको पहाड़ा 12 का आता है, क्या 1.2 का आता है, आता है पहाड़ा इसका? तो जब इसका पहाड़ा नहीं आता तो भाग कैसे करेंगे, समस्या यहाँ ये आ गई ना। भाग में तो पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, अभी हम ये कहें आप 12 का भाग दीजिए किसी नंबर, जैसे अभी आपसे ये कहते हैं कि 1.0 वो क्या नाम, आप 1.08 में भाग दीजिएगा 1.2 का, यही तो सीखने वाले हैं, तो पहाड़ा पढ़ेंगे 1.2 का। अब कोई आप में से बताए आपको 1.2 का पहाड़ा आता है? नहीं। या कभी हमने याद कराया? नहीं। हमने किसका याद कराया? 12 का याद कराया। अगर ये हटा देते तो कह देते साहब 12 का तो पहाड़ा आता है, हमें कह देते कि नहीं, लेकिन 1.2 का पहाड़ा हमको पढ़ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर आती तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते कि आप 1.2 का पहाड़ा पढ़ें। तो क्या करें फिर, ये देखना है कि हमें करना क्या है फिर, ठीक, इस चीज पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, ये थोड़ी कठिन है। कैसे, भाग को ये भी लिख सकते हैं और भाग को हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, 1.08/1.2 ये भी तो लिखा जा सकता है, एक ही बात तो है, या हम ये भी लिख सकते हैं इसको 1.2/1.0 ये भी लिख सकते हैं। इन तीनों ही स्टेप का मतलब तो एक ही है, क्या, भाग करना, तीन स्टेप, 1, 2, 3, तीनों का मतलब एक ही है। आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए, आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए, या आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए, तीनों बातों का मतलब आप क्या समझेंगे, तीनों बातों का मतलब क्या समझेंगे, भाग, ठीक। अब देखिएगा, जब भी हमें दशमलव संख्याओं का भाग देना हो तो आपको एक बार ऐसे जरूर लिख लें, ठीक, और फिर ये देखें दशमलव के बाद यहां कितने अंक हैं, इसमें कितने हैं, तो इसमें भी हम 2 कर लें तो कोई परेशानी है नहीं, इधर 0 बढ़ा लेने से कोई परेशानी नहीं है, संख्या की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, ना कम होती है ना ही ज्यादा। अब देखिएगा दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 हैं, तो दशमलव से दशमलव ये का हमारी तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, जब इनके सब काम हो ही रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, यहाँ से संख्या क्या होगी आपकी 108 और 120। इतनी बात समझ में आई कि हमने दशमलव को कैसे हटाया, दशमलव से दशमलव बेटा तब हटा करेगा जब दशमलव के बाद अंक बराबर हो जाए, या तो हो और नहीं तो हम करें, इसमें थे नहीं, लेकिन हमने दशमलव के बाद 2 अंक यहां भी है, 2 अंक यहां भी है, फिर दशमलव से दशमलव की टक्कर होगी और वो चले जाएंगे, संख्या हमारी हो गई अब 108 में 120 का भाग देना है, ठीक। लेकिन आप तो ये कहो नहीं, हम तो 12 का ही भाग देंगे, 120 का नहीं देंगे, ये 0 बढ़ इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो 0 को क्या करें, अगर किसी संख्या से हम 0 हटाएं यहां से तो ऊपर उतने ही दशमलव वहां पर लग जाएंगे, इसमें अब ये भी देखना है कि दशमलव हमें वापस लगाना, देखो यहां ध्यान से देखें,
ये हमारा लिखा हुआ है 108, एक जीरो है, एक जीरो काटेंगे अगर हम तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। कहने का मतलब ये था, ये सेपरेट हम 12 करना चाहते थे, हमने 12 कर लिए। ये बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया जा रहा, ये थोड़े कठिन तरीके से भी दशमलव हटाना आएगा, दूसरी संख्याएं भी आएंगी अभी जो आप फिर समझ नहीं पाओगे दशमलव कैसे हटाएं। तो एक सरल तरीका सबसे आसान जो आपके लिए वो सीख लें आप। दशमलव हट गया, अब हम भाग दे सकते हैं 12 का 10.8 में, ठीक। 12 के पहाड़ा 10 में पढ़ सकते क्या? नहीं, तो किसमें पढ़े? पूरा 108, तो लेकिन बीच में दशमलव आ गया, तो हम क्या करें दशमलव से? जैसे अभी हमारी आपकी झगड़ा हो रहा हो और कोई आदमी खाम खाम बीच में आ जाए तो हम लोग क्या करते? आप तुमसे निपटे पहले, इनसे बाद में, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले निपटिएगा दशमलव से, इसे उठा के रख लीजिएगा, ठीक। और दशमलव से पहले हमेशा आप ध्यान रखेंगे खाली दशमलव अच्छा नहीं लगता, या कभी कभी ये लगता है दशमलव होगा ही नहीं, तो हम क्या करें उससे पहले एक जीरो जरूर बढ़ाएं, जिससे क्लियर हो जाए कि अब ये दशमलव, आप यहाँ दशमलव का कोई काम नहीं, आप इस दशमलव को ना देखें। अब 12 का पारा आप 108 में पूरा पूरा पढ़ के बताइए, 12 निम्मा 108 भाग हो गया, ठीक। लेकिन समझ में आपके बहुत कम आ पाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा मिर्च मसाला हमें ज्यादा लगाना पड़ा है, ठीक। और किसी चीज में मिर्च मसाला ज्यादा लगाओगे तो थोड़ी ज्यादा देर बनने में भी लगेगी उसे। गुणा बहुत आसान था, हमने पहले कह दिया था, भाग थोड़ा कठिन लगेगा, ठीक। तो हमने क्या किया एक बार फिर समझें, ऐसे आपको भाग करके दिया जाएगा, सवाल ऐसे आएगा आपका, उसे हम इस प्रकार से लिखें, और जब भाग करें तब ऐसे लिखें। जैसे ये देखो हमने लिखा, इसको हमने ऐसे लिख लिया, एक ही बात है। फिर हम ये देखते हैं दशमलव बाद क्या अंक दोनों संख्याओं बराबर हैं, अगर है तो ठीक है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। जैसे ये देखो हट गया, क्योंकि दशमलव बाद दो अंक यहाँ पर है, दो अंक यहाँ पर है, क्लियर हुआ। तो दशमलव से दशमलव हट गया, 108 बटे 120 हो गया। अगर आप ये दशमलव ना लगाना चाहते तब भी हो जाता ये, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसे करिएगा, 120 का भी तो भाग दिया जा सकता था, दिया जा सकता था, ठीक। तो हमने क्या किया, एक जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसे जब जीरो को काटेंगे तो एक जीरो को काटा तो दशमलव के बाद एक अंक यहां आ जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव आ गया, ठीक। अब हमारी संख्या नई क्या हो गई, नई संख्या जैसे 1.08 थी, अब क्या हो गई 10.8, और डिवाइड किससे करना है? 12 से, ठीक। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ पाया होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, वहां से आपका और क्लियर होगा। देखिएगा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और, जिसमें हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का भाग। हमने संख्या लिखी है, ये संख्या है, ठीक ठीक है, और हमको भाग देना है 11 से, ठीक। एक संख्या ऐसी समझेंगे जिसमें अभी है ही नहीं दशमलव, जिसमें दशमलव है ही नहीं, एक में दशमलव है लेकिन एक में नहीं है। अब आप ये देखिएगा, ये थोड़ा सरल पड़ेगा आपके लिए, क्यों सरल पड़ेगा? क्योंकि हमें यहाँ दशमलव हटाने की जरूरत नहीं है, दशमलव हम तब हटाएंगे जब इसमें भी दशमलव होता, इसमें तो है नहीं, तो सीधा सीधा 11 का तो पारा हमें आता है, लेकिन अगर ये कर देते 1.2 तो 1.2 का पारा हमें, हम तो पढ़ देंगे लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे, 1.2 × 2 = 2.2, 1.3 × 3 = 3 11 × 2 = 12 11 × 3 = 33 क्या, वही पढ़ते चले जाओ, दशमलव लगाते चले जाओ, लेकिन वो हम आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे। दशमलव हटा दिया, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्टली 11 का भाग देना है 33.66 में, ठीक। 11 के पारा किस में पड़े, 3 में या 33 में? 33 में, 11 × 3 पूरा पूरा चला गया, अब दशमलव आ गया। हम दशमलव को जंप करके 66 के पास नहीं जाएंगे, हम दशमलव को उठा के कहाँ ले आए? अब यहाँ दशमलव की वैल्यू खत्म, यहाँ दशमलव नहीं है, अब किसका उतारा ले लें? काम चल जाएगा, एक छह दूसरे भी ले लो, तो यहाँ क्या होगा? अब 11 पारा किसमें पढ़े, पढ़िए, हो गया
अगर इस प्रकार से एक ही दशमलव, एक ही संख्या में दशमलव है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें दशमलव नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब आप हमसे ये भी तो पूछ सकते हैं, चलो साहब इसमें दशमलव नहीं था, अगर इसका दशमलव हटा के इसमें लगा दें तब कैसे करेंगे? भाई ये भी तो समस्या आएगी, चलो अभी हमारी जिस संख्या का पहाड़ा पड़ रहे थे उसमें दशमलव नहीं है और हम उसी में दशमलव लगा दें, इसका हटा दें, तब क्या करेंगे? बताए कोई? हमारे पास सवाल ये है, भाग दे रहे हैं 1.1 का। अब समस्या आ गई कि हमें दशमलव वाली संख्या का पहाड़ा नहीं याद हो, तो हम क्या करेंगे? इसका दशमलव हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? जैसे अभी हमने बताया था, अब इसको ऐसे लिखें आप, बटे 1.1। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक है। दशमलव के बाद कितने अंक है बेटा? एक। तो हम क्या करें, 1 0 बढ़ा दें। कहने का मतलब ये है, दशमलव हटाने के लिए जितने अंक इसमें हैं उतने ही जीरो का गुणा करते हैं। यानी 1 0 किस संख्या के साथ आता है, 10 के या 100 के? 10 के। तो 10 का गुणा कर रहे, क्लियर? समझ जाओगे आखिर कैसे हटेगा? 10 का गुणा कर दें तो देखेगा दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 3 3 6 6 0 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 110 गुणा ही तो होगा, 11 2। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक रहेगा। देखो क्लियर, 11 हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात अच्छे से समझिएगा, ये समझना पड़ेगा ये आपको, और यही तरीका है। देखो 11 क्लियर हो गए। अब 11 के बाद दशमलव फिर जीरो लगाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम चाहे तो इनको, कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि अगर हम इसका दशमलव हटाना चाहते सीधा 1 0 यहाँ बढ़ा दो, दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0 बढ़ा दो, दशमलव बाद 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ा देते, दशमलव बाद 3 अंक होते तो वहां 3 0 बढ़ा देते और ये दशमलव हट जाता। जैसे मान लीजिए हमारा ये होता 33.66/0.11 था, वो 0.11 था, तो जब 2 अंक हैं, 2 अंक हैं कि नहीं, तो हम क्या करें, 2 0 ऊपर बढ़ा दो, दशमलव हट गया, संख्या हमारी क्या हो गई, 3 3 6 6 0 0/ मेरी बात समझ पाए? कॉन्सेप्ट क्या है कि दशमलव के बाद यहां जितने अंक हैं उतने ही आप वहां 0 बढ़ा दें और दशमलव को हटा दें, संख्या क्लियर हो गई? तो देखो ये क्लियर हो गया। आप 11 का भाग आप इसमें करेंगे, दोनों बातें क्लियर हो गई कि अगर दशमलव इसमें है तो बहुत आसान कर ही लेंगे। हम मान लो दशमलव इसमें नहीं है, केवल इसमें ही आ जाता, तो क्या करेंगे हम, उसका दशमलव पहले हटाएंगे वहां पर 0, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक था तो 1 0 आ गया, 2 अंक होते तो 2 0 आ जाते, 4 अंक होते तो वहां 4 0 लगाते और संख्या का दशमलव हट जाता। क्लियर हुआ? एक सवाल, एक लास्ट सवाल और देखते हैं। जैसे हमें भाग करना है, और भाग करना है हमें 1.9 का, ठीक, 1.9 का भाग करना है हमें 76.076 में, ठीक। अब देखना क्या है, दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए। थोड़ा कठिन है, हमने थोड़ा बड़ा सवाल ले लिया। आप क्लास 5 के हो, कोई बहुत छोटे स्तर के बच्चे नहीं हो। 5 स्तर का बच्चा बहुत कुछ सीखने लगता है या सीखना चाहिए उसको, या उसके दिमाग में ये मैसेज उसे खुद भेजना चाहिए कि हम क्लास 5 में आ गए हैं, अब हमें चीजें ज्यादा सीखनी चाहिए। देखिएगा कैसे, अब इनका दशमलव, पहले इसका दशमलव हटाना पड़ेगा क्योंकि 1.9 का टेबल हमको नहीं आता। तो क्या बताया हमने, ऐसे लिखें आप 76.076/1.9। हमने कहा दशमलव कैसे हटेगा, दशमलव बाद अंक कैसे होने चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ पर दशमलव बाद 3 अंक हैं, लेकिन क्या यहाँ 3 दिख रहे हैं, तो क्या करें, 0 बढ़ा लें। ठीक, सही बता आपने, लियो हमने 0 बढ़ा लिए। दशमलव के बाद 3 अंक उसमें भी है, दशमलव के बाद 3 अंक इसमें भी है, आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, यानी ये खत्म। अब हमारे पास संख्या बची है 76076/1900 बचा हुआ, छोटे से हमने बड़ा और कर लिया, तब 19 की टेबल थी केवल 1.9 की, अब तो हो गई 1900, 1900 की टेबल हो गई। क्या 1900 की टेबल आती है? हमें तो आती,
1901, 1900, 1902, 1800, 1903, 5700, 1904 करेंगे तो 7600 ऐसे पढ़ते चले। अगर आपको 19 की मालूम है तो 1900 की क्यों नहीं मालूम, जीरो बढ़ाते चले जाओ। अब देखिएगा, अभी हमने उसमें एक जीरो काटा था, 110 में एक जीरो काटा था, अब आप दो जीरो काटो और इधर कितने जीरो काटे हमने, तो दो अंक के बाद दशमलव यहां लगा दो। हम जिस संख्या से भाग करना चाहते, देखो उसका दशमलव हट गया। अब हमारे पास जो सेपरेट संख्या बची है बेटा, वो ये बची है कि 760.76/19। 19 का पढ़ा आता है, कर लेंगे। तो जो हमें सीखना है जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा बेटा, वो इतना है कि किसी प्रकार से जिस संख्या में जिसका हम भाग कर रहे हैं उसकी हमें टेबल पढ़नी पड़ेगी, तो उसका दशमलव हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, ऐसे दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेंगे, फिर दशमलव दशमलव हट जाएगा, फिर उसमें जीरो आ गए। अब तो हम क्यों इसको पूरा लेते घूमें, 1900 का ही भाग आप कर सकते हैं, आप चाहें तो 1900 का दे दें। आप ये भी ना करें, यहां से आप सीधा सीधा 1900 का भाग कर सकते हैं। हमने बड़ी संख्याओं के भाग देना आपको सिखाए, कर लेते हैं आप, लेकिन हम 19 का ही रखना चाहते। तो हमने क्या किया, ये दो जीरो फिर काटे, लेकिन जितने जीरो यहां काटोगे उतने ही अंक के बाद यहां दशमलव आएगा, या दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए। अब देखिएगा लास्ट है, समझ लें, उसके बाद आपका होमवर्क होगा। 19 का पारा पढ़िएगा 76 में, 76 पूरे चले गए। अब ये जीरो जब हम यहां लेके आएंगे तो जीरो बेटा वहां भी चला जाएगा, चला गया। अब आ गया दशमलव, तो दशमलव का क्या करें, ऊपर, ठीक आ गया क्लियर, इसका मतलब दशमलव बाहर चला गया। अब यहां दशमलव का कोई काम नहीं। 7 से मुलाकात हुई 7 ले आए, 6 से मुलाकात हुई 6 ले आए, लेकिन हम लगातार दो अंक लेके आए हैं तो क्या करें, जीरो। अब पढ़िएगा 19 टेबल 76 में, 19 4 76, ठीक समझ में आपके आया है। लेकिन इस क्लास का रिवीजन फिर होगा, आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।